दोस्तों थोड़ी हम बात करेंगे लूम नेटवर्क के लूम कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में, अपडेटेड लेवल्स और आने वाले दिनों में इस कॉइन के टारगेट क्या रहेंगे, कहाँ तक ये नीचे की तरफ डंप करेगा, किस लेवल पर स्टेबिलिटी रहेगी, और आप अगर इस कॉइन में एंट्री देख रहे वापस से इस कॉइन को बाय करना चाहते हैं तो किस लेवल पर आपको बाय करना चाहिए, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सप्रेस नहीं है, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है ताकि वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रॉपर स्टडी शेयर की जा सके, चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वेरीज रिजोल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर की जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपने क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर डीएम करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 0.174 पर अभी ये कॉइन ट्रेड कर रहा है, 168 वाला लो अभी इस कॉइन ने बनाया और रिसेंटली जो ब्रेकआउट हुआ था जहां पर इस कॉइन ने 50 वाला लेवल हिट किया था, वहां से लगातार ये कॉइन डंप कर रहा, लगातार इसकी प्राइस में हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है और उस लेवल से अभी तक इसकी प्राइस में 65% का डंप देखने को मिला है। हमने प्रीवियस अगस्त सेप्टेम्बर मंथ और अगस्त के एंड से इस कॉइन में अच्छा खासा ब्रेकआउट देखा, अच्छे खासे लेवल को इसने ट्राई किया, बैक टू बैक मूवमेंट देखा, 0.036 वाले लेवल से इसने मूव करना स्टार्ट किया था, 50 वाले लेवल को इस कॉइन ने एग्जैक्टली हिट किया और वहां से अभी हमें लगातार डंप देखने को मिला। जब ये कॉइन मूव कर रहा था हमने इस कॉइन में अच्छे लेवल पर बाई भी किया, अच्छे लेवल पर एग्जिट भी किया और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया। हमने इस कॉइन में यहाँ 0.085 के अराउंड में एंट्री ली थी, यहाँ से हमने डायरेक्टली इस कॉइन को 40 पर सेल किया था और 40 तक का आप मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो 400% से ज़्यादा का एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना प्रॉफिट हमने इस कॉइन में लिया। उसके बाद हमने आपको वीडियो भी शेयर किया था, 15 वाला वीडियो भी शेयर किया था, 16 को भी वीडियो शेयर किया था, रेगुलर हम अपडेट शेयर कर रहे हैं कि इस कॉइन की प्राइस जो है वो जब ये कॉइन मूव कर रहा था यहाँ पर था, यहाँ से हमने आपको जो लेवल बताया था यहाँ से बताया था कि ये कॉइन अच्छा खासा जाएगा, अभी आपको होल्ड रखना, हम आपको वीडियो के थ्रू अपडेट देंगे। और यहाँ जब प्राइस आ गई थी ऑलमोस्ट इसकी 20 से ऊपर जब ये चला गया था, ऑलमोस्ट 269 के अराउंड में, 28 के अराउंड में आ गया था, तब हमने आपको बताया था कि ये कॉइन 40 तक हिट करेगा, 40 से ऊपर थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होगी और फिर डंप करना स्टार्ट करेगा। रीज़न क्या था, एक तो यहाँ पर इस कॉइन में वॉल्यूम जनरेट हो रहा था, यहाँ तक तो वॉल्यूम जनरेट हो ही रहा था, इसके बाद यहाँ से एडिशनल पंप स्टार्ट हुआ, लूम कॉइन की बिनांस फ्यूचर्स के अंदर लिस्टिंग की जाएगी अनाउंसमेंट हुआ और ये अनाउंसमेंट के साथ ही वापस हमें मूवमेंट देखने को मिला और जैसे ही इसकी लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग के दो दिन तक भी इस कॉइन ने अच्छा खासा मूव किया और हमने आपको जो लेटेस्ट हमारे दो वीडियो से 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर, 15 वाले में जब इस कॉइन ने 40 को हिट कर दिया था, 40 से ऊपर ये चला गया था, तब भी हमने आपको बताया था कि अभी भी आपके पास चॉइस है, अभी भी आप उस लेवल पर है जहां पर हम एग्जिट होना चाहते थे। 40 वाले लेवल हमने बताया था कि 40 से ऊपर ये कॉइन जाएगा तो आपको 40 तक एग्जिट हो जाना है क्योंकि उससे ऊपर एक अच्छा खासा हार्डली रिजेक्शन दे दिया है, अच्छा खासा मूव भी कर गया है और यहां से लिस्टिंग जो बिना फ्यूचर्स के अंदर इसकी हुई है उसको 2-3 दिन हो गए हैं। तो जब भी हमने पहले बताया था जब फ्यूचर्स के अंदर लिस्टिंग होती है किसी कॉइन की तो उसके 2 दिन तक वो कॉइन मूव करता है, एक दिन में मूव करता है, कोई कोई कॉइन 3-4 दिन में मूव करता है, तो उसके बाद आपको बहुत संभल कर ट्रेड करना रहता है, उसमें अच्छा खासा डंप देखने को मिलता है और जो लेवल था उसको हिट किया, मूव भी अच्छा खासा किया, हमने अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया। तो हमने आपको बताया था 15 वाले वीडियो में कि आपको एग्जिट हो जाना है 40 के अराउंड, अभी भी ये ट्रेड कर रहा है, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होगी, 36-37 पर ट्रेड कर रहा था तो हमने आपको बताया था कि थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होगी, वापस ये 38-39 तक चला जाएगा यहाँ पर और यहाँ से आपको एग्जिट हो जाना है। यहाँ हमने वीडियो शेयर किया था आपको जब ये 35 के अराउंड ट्रेड कर रहा था, 50 को हिट कर आया था तो यहाँ हमने वापस एग्जिट किया। फिर आपको वापस हमने शाम को भी वीडियो शेयर किया, 16 के शाम को वीडियो शेयर किया था, तब ये कॉइन 3.3 पर ट्रेड कर रहा था, यानी कि यहाँ ट्रेड कर रहा था, यहाँ भी हमने आपको बताया कि अभी भी एग्जिट नहीं हुए है, एग्जिट हो जाइए क्योंकि इसमें इतना बड़ा डंप होगा, ये कॉइन जो वो मिनिमम 20 तक तो जाएगा ही, ये सारी चीज़ें हमने वीडियो में बताई है, चैनल पर आप जाएंगे अगर तो 2-3 जो वीडियो लेटेस्ट लूम कॉइन की वीडियो है वो अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऑलरेडी देख कर एग्जिट हुए होंगे, अच्छा प्रॉफिट उन्होंने 40 पर बुक किया होगा, 38 पर बुक किया होगा, जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया वो कमेंट करके ज़रूर
बताया था कि हम ज़्यादा एफर्ट के साथ और भी चीज़ें आपको मोटिवेशन के साथ शेयर कर पाएँ। हम जितना एफर्ट लगाते हैं उसका आपको बेनिफिट हो रहा नहीं हो रहा ये भी हमें थोड़ा बहुत पता चलना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दूसरा हमने ये चीज़ और बताई थी कि आपको ये कॉइन डंप कर रहा है 2.0 तक तो जाएगा ही जाएगा, और जब 2.0 के अराउंड अगर स्टेबिलिटी मेंटेन करता है तो ठीक है, नहीं तो उससे भी नीचे आ जाएगा। तो जब ये उस लेवल पर रहेगा हम वापस वीडियो शेयर कर देंगे कि क्या अभी टेक्निकली इसमें सिनेरियो बन रहा, क्योंकि जब बड़ा डंप होता है तो एक लेवल स्टेबिलिटी लेवल हमें चूज करना रहता है किस लेवल पर ये स्टेबल रहेगा। तो आपको जल्दीबाजी में एंट्री नहीं लेनी है, हमने ये भी आपको बता दिया था कि जल्दीबाजी में आपको किसी भी कंडीशन में अगर ये डंप कर रहा है तो आप ऐसा नहीं कि अच्छा खासा डंप कर गया बाई कर लें, फिर भी बाई किया होगा हमें पता है 3.0, 2.5, 2.8, क्योंकि हमें बहुत टाइम हो गया मार्केट के अंदर, हम ये सारी चीज़ें जो समझते हैं, हमारे पास कमेंट आते हैं बहुत सारे इस टाइप के, जब भी किसी कॉइन में अच्छा मूव हो जाता है तो उसमें ऊपर के लेवल पर उनको बाइंग चाहिए, और जब वो डंप करता है तो वो उस लेवल पर नीचे वाले लेवल पर बाई करना चाहते कि अब यहाँ बाई कर लें। जब एक कॉइन में अच्छा खासा ब्रेकआउट हो गया है वापस से वो आपको 2-4 दिन में वापस मूव नहीं करेगा। हाँ कुछ ऐसी न्यूज़ है, कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा, वो अलग चीज़ है। अभी क्या कंडीशन होने वाली है, 0.176 पर ये ट्रेड कर रहा, 168 ट्राई किया था, और भी नीचे डंप करेगा, किस लेवल पर स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकता है, यहाँ से 1213 वाला जो लेवल है वो एक अच्छा खासा लेवल है, 13 वाला लेवल, 0.13 वाला लेवल एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है, उसको ये मेंटेन कर सकता है। तो यहाँ से और भी डंप होगा, कहाँ तक होगा, 13 तक होगा। 13 पर अगर ये कुछ टाइम बिताता है, कुछ टाइम वहाँ पर स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, तो हम कह सकते हैं कि उस लेवल पर ये स्टेबल रहेगा। नहीं तो उसके बाद भी वीकली में किस टाइप से क्लोज करता है वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। वीकली में इस कॉइन को 0.10 वाला मैक्सिमम सपोर्ट एरिया है तो वहाँ तक भी जा सकता है, 10 से पहले 14, 135 वाला सपोर्ट एरिया, तो अगर उसको मेंटेन कर लेता तो अच्छी बात है, नहीं करता तो और भी प्राइस ड्रॉप होगी। तो अभी के लिए जो एक फर्स्ट फेज़ रहेगा इसका, जहाँ पर थोड़े टाइम ये रुकेगा, वो 1314 वाला एरिया रहेगा, वहाँ से फिर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होगा, फिर वहाँ हम जो टेक्निकल चीज़ें शो होगी हम आपको शेयर कर देंगे, लेकिन उससे पहले आपको एंट्री नहीं लेनी है। अभी हम ये नहीं कह रहे आपसे कि 13 पर आपको एंट्री लेनी है, 13 वाले लेवल पर आएगा एक लेवल, अगर वहाँ पर बनता है कि यहाँ पर बाई करना चाहिए, क्या सिनारियो है, बायर्स एक्टिव है नहीं है, यहाँ पर वॉल्यूम आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उस बेसिस पर हम आपको बता देंगे कि हाँ यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। लेकिन ये आप अगर आप सोच रहे हैं कि ये डंप कर गया 13 से वापस मूव कर जाएगा, ये नहीं होगा, आपको वापस नेक्स्ट ब्रेकआउट के लिए वेट करना पड़ेगा। तो जिन्होंने ऊपर वाले लेवल पर बाई कर लिया है इस कॉइन को, जल्दीबाजी में ऊपर बाई किया है, आपको रिकवरी के लिए अच्छा खासा वेट करना पड़ेगा। इसलिए जो भी आपकी बाइंग प्राइस है उस पर आप सेल लिमिट लगा दें। अगर आपके 2.0 की बाइंग है तो अभी ये थोड़ा बहुत मूव करेगा तो एग्जिट हो जाना, 2.0 से ऊपर की बाइंग है तो उसके लिए तो आपको वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2.0 से ऊपर अभी ये जाने वाला नहीं है। अभी की बात करें 2 दिन बाद आप देखेंगे तो प्राइस 13 चली आएगी, तो 2.0 तक की बाइंग है तो एग्जिट हो जाइए, और अगर बाई करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल किसी भी कंडीशन में बाई नहीं करना है। इसके अलावा जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, जो इस टाइप की गलतियां करते हैं, वो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में ज़रूर इनरोल करें। वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जाएगी, चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वेरीज रिजोल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर किए जाएंगे, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें, यहाँ पर हम कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं दे रहा, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा है लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।